हेलो दोस्तों, मैं चंदू आज फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आया हूं एक गांव इस फार्म में और यहां जो है मछली को हम लोग चारा देने वाले हैं, तो उसी को आप लोग को मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। ये जो है मछली का जो ये दाना है, इसी में दाना को डाल के अपन लोग मछली को देंगे। आप लोग होता है पर अभी सुविधा नहीं, अपन लोग नाव में भी जा के दे सकते हैं, लेकिन जो सुविधा है वो अपने पास नहीं है, तो इसी में देते हैं। चारा है उसको मैं आप लोग को दिखा, मछली चारा, ये ऐसा ये दाना है, आप लोग वीडियो पे देख पा रहे होंगे। ये कुछ इस प्रकार का दाना है और इधर ये मछली है तालाब में, ये देख पा रहे होंगे मछली कितनी खलबलाई हुई है। ये देख सकते कितनी सारी मछलियां है यहाँ पर, तो ये बंदा ले जा रहा है जो चारा है उसको। यहाँ तालाब है और इतनी सारी ये मछलियां आप लोग तालाब में देख सकते हैं। इसका गहराई 5 फीट के आसपास है। ये मछली का चारा, इसको ऐसा इस प्रकार से देते हैं अपन लोग, देख सकते हैं भाई जो है ये मछली। अरे दादा रे, कहीं गा जाओ। ये मछली का चारा देने तालाब में बंदा जो है वो उतर चुका है। मछली देख सकते हैं पीछे पीछे जो मछली है वो आ रहा है। हाँ, काट देते। हाँ, ओहो, पीछे पीछे जा रहा है भाई के, और
सवाली, ये मछली जो है सवाली है इसका नाम। ये पास इसको दिखाता हूँ, ये जो है तालाब है उसको आप लोग को मैं इसके चारों तरफ जो है घूम के दिखा रहा हूँ कितना बड़ा है। इसमें जो है सवाली सवाली मछली डाला हुआ है। इसको दिन में मतलब दो बार चारा देना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा इसमें जो है इसको दाना खिलाएंगे उतना ज़्यादा इसका ग्रोथ होगा। ये भाई जो है ये लोग लगभग 5-6 साल से फिश फार्मिंग ही कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस आधे एकड़ का जो तालाब है इसमें 20,000 जो पीस है वो सवाली है। अच्छा, तो आप लोग खुद सुन लिए होंगे कि रोहू कतला करके लगभग 5-10,000 पीस उसका होगा। तो कुल मिला के 30-35,000 मान सकते हैं। तेलपिया भी है बता दें। हाँ, इसमें तेलपिया भी है 10,000। बड़ा वाला मोनोसेक। बड़ा वाला मोनोपैक मोनोसेक मोनोसेक। तो मछली का ये एक वैरायटी है। उसको आप लोग जितना ज़्यादा जो हो सके दाना खिलाएंगे उतना ज़्यादा इसका ग्रोथ होता है। चमके लगी सोसाइटी।